नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल में। रामनवमी के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामनवमी के दिन आपको कौन सा ऐसा खास उपाय करना चाहिए जिससे पूरे वर्ष आपके घर में धन धान की समृद्धि हो तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हर विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्रकट हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए रामनवमी के दिन सबसे खास माना जाता है। रामचरित मानस में तुलसी दास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि के दिन ठीक मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्रागट हुआ था, तभी से रामनवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। रामनवमी को सर्वार्थ सिद्ध के साथ साथ कई योग विद्यमान रहेंगे। इसी कारण से रामनवमी के दिन यदि हम कोई भी नया काम करते हैं, कोई उपाय करते हैं, शुभ काम करते हैं, मंगल कार्य का शुभारंभ करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। इस बार रामनवमी का जो महापर्व है वो 17 अप्रैल दिन बुधवार को है, यानी 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार के दिन रामनवमी मनाई जाएगी और इसी दिन नवमी तिथि भी है। तो इस दिन आप ठीक दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। तो रामनवमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर में देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तथा रामनवमी का व्रत करें। रामनवमी का जो व्रत होता है 3 पहर तक ही आप, यानी माना जाता है, कर सकते हैं। 3 पहर का अर्थ होता है कि सूर्य उदय से लेकर लगभग दोपहर 3 बजे तक, 3 बजे शाम को, यानी कि जो दोपहर और शाम के बीच का समय 3 बजे होता है, ये 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 3 पहर का व्रत करने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए, और यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम जी का मध्याह्न काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम जी का इस दिन पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन के लिए उनके सामने जो है अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं और पांव धुलाएं तथा उनके हाथ में जल प्रदान करें। मुख में आचमन करने के लिए उनको 3रा जल अर्पित करें। उसके बाद 4थी बार उनको सर्वांग स्नान, यानी कि पूरे प्रभु के स्वरूप के ऊपर स्नान कराएं। उसके बाद प्रभु के दूध, दही, शहद, शक्कर, घी तथा मिले पंचामृत से उन्हें चंदन के जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं। जब भी हम किसी अन्य पदार्थ में स्नान करवाते हैं बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उसके बाद प्रभु को चंदन का अभिषेक कराएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, अच्छे प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य आप दोपहर 12 बजे के पहले पहले संपन्न करें और ठीक 12 जैसे ही बजते हैं उसके बाद भगवान के सामने भोग रखें और भगवान को जो है भोग के रूप में, वैसे तो आप अनेक प्रकार के मिठाइयाँ, फल और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं, पंचमेवा इत्यादि उनको भोग के रूप में अर्पण करें, लेकिन सबसे पहले आप कोई प्रिय वस्तु यदि उनकी है तो वो खीर होती है। भगवान श्री राम की सबसे प्रिय वस्तु खीर होती है। मेवे केसर से युक्त ये जो खीर होती है, आप प्रभु श्री राम जी को खीर का सबसे ज़्यादा, यानी कि जो प्रिय है, भोग लगाएं। तो यदि आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो आप फलाहारी हैं, खीर बनाकर प्रभु को अर्पण करें। और यदि व्रत उपवास आप नहीं करते हैं तब भी प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करें तो खीर का सेवन जरूर करें।
खीर का भोग लगाने के बाद फिर आप इसे ग्रहण करें। आप चावल की खीर बनाकर प्रभु के सामने अर्पण करें और खीर के अंदर तुलसी पत्र, केसर इत्यादि डाल करके भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद फिर आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करें। फल, मिठाई और अन्य जो भी सामग्री आपने भोग लगाई है उसका प्रसाद वितरण करें। भगवान की स्तुति का गान करें तथा श्री राम जी का रामचरितमानस का अखंड रामचरितमानस का पाठ भी करें। आप रामनवमी के दिन कर सकते हैं। यदि आप राम नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पूजन आरती संपन्न होने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं और आप साक्षात विष्णु यानी कि नारायण के अवतार हैं। आज हमने आपका प्रागट्य उत्सव, आपका अवतरण दिवस, जन्म दिवस मनाया है। आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से रामनवमी का पर्व मनाइए और फिर आप प्रसाद के रूप में जो खीर बची है उसे ग्रहण कर लीजिएगा। रामनवमी के दिन खीर खाने से बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही उत्तम होता है। वैसे तो इस दिन आप मीठे पकवान, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। सबका भोग लगाकर फिर इसका सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन खीर का सेवन करने से भगवान श्री राम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी लाल अंगूर मिल जाए तो लाल अंगूर का भी सेवन करें और हरा वाला अंगूर भी सेवन करें। फलों में सेव, केला जरूर इस दिन सेवन करें। भगवान को केला अर्पण करें। पीले जो भी फल होते हैं उन्हें भगवान को अर्पण करें और फिर आप यथा योग संभव यानी कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें अर्पण करने के बाद फिर इसका सेवन जरूर करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। घर में धन धान के भंडार भरे रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद बना रहेगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी, पूरे साल धन आने के स्रोत नजर आएंगे। इस दिन आप रामनवमी के दिन तुलसी के पत्ते का भी सेवन जरूर कर लें। तुलसी के पत्ते का भोग लगाकर फिर आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन आप जैसे कि गुजिया बनाकर खा सकते हैं, कुशली यानी बनाकर खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बनाकर खाएं भगवान श्री राम जी को, जो कि बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।